आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। गोहाना नगर परिषद द्वारा शहर के कई स्थानों पर आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के चलते गोहाना के पुराने बस स्टैंड, मेन बाजार, सिविल रोड, बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे सामान को जब्त कर लिया गया और दुकानों के बाहर अवैध तरीके से बने फड़ों और छप्परों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गोहाना में ज्यादातर दुकानदारों ने अपना सामान दुकानों के बाहर सड़क पर रखा हुआ था, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये बड़ौदा रोड, सिविल रोड, महम रोड और इसका जींद रोड और उसके बाद रोहतक रोड भी है। धीरे धीरे सभी रोडों से जो है ना अतिक्रमण हमने हटाना है, न्यायालय के आदेश है और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं रहने देना है हमने। फड़ी वाले हैं या चौधरी वाला रखे हैं वो सब 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 हटाए जाएंगे, सब हटाए जाएंगे। अगर कोई दुकानदारी जो है ना ज़्यादा करता है तो उसको कोर्ट ने कहा है कि इसकी वीडियोग्राफी करके हमें दो। कोई विरोध करता है तो कानूनी कर माननीय न्यायालय ने कहा है उनकी सूची बना के दो हमें, तो कार्रवाई भी की जा रही है। हाँ, कार्रवाई तो की जा रही है। कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि बिना नोटिस के हमारे को दिया जा रहा है काम। नोटिस तो इसमें इससे दिन हो गए अखबार में आ रहा है, जब नोटिस इसके अलावा क्या होता है। पहले मुनादी वगैरह कराई, सब टोटल पेपरों में भी दे हो चुका है पहले सारा, लोगों को कहा भी जा चुका है भी अपना सामान बाहर मत रखिए। ईमानदार हमारे कर्मचारी हर एक दुकानदार को पर्सनली बोल के भी आए हैं लेकिन दुकानदार नहीं मानते हैं, वो सामान अपना फिर रख देते हैं उसके ऊपर। आपके सामने हम लगातार पिछले 2 महीने से चला ही रहे हैं अभियान को। बहरहाल अब देखना होगा कि विभाग की इस कार्रवाई के बाद गोहाना शहर को दुकानदारों के अतिक्रमण से कितनी राहत मिल पाती है। सत्य खबर के लिए गोहाना से सुनील की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।